Hey everyone, my name is Aksha. I welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 12, in our previous lecture we have discussed about some outbreeding devices and the phenomenon of artificial hybridization, in which we have studied about the emasculation and the belling techniques. So in today's lecture we are going to discuss about a very interesting topic, that is pollen pistil interaction. This pollen pistil interaction is going to be very interesting, and थोड़ा सा मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसका हिंट दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो. पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, अगर हम वर्ड की बात करें तो पॉलन और पिस्टल के बीच में इंटरैक्ट करना, इंटरैक्ट यू कैन से बातचीत होना. वो बातचीत तो कैसे करेंगे, दे कैन नॉट स्पीक, राइट? ऑफ कोर्स. तो हाउ विल दिस इंटरैक्शन टेक्स प्लेस? एक्चुअली what happens, there will be some chemical dialogues in between them. ab yahan pe main dialogue word aise hi bata rahi hu, just to represent the interaction is going on in between the pollen and pistil. how that interaction is going on? in the form of chemicals. that is why I have used this term, in the form of chemical dialogue. pollen and pistil will interact with each other. Why they need to interact? क्यों इंटरैक्शन की जरूरत है? लास्टली आपको पता है, when pollination takes place, pollination हो गई. pollination होने का मतलब क्या है? Pollen grains have transferred to the stigma, right? Suppose this is the pistil, stigma, elongated style, and the basal swollen portion is the ovary, right? On the other hand, suppose this is the male portion, stamen. And the bilobed anther. So obviously, it will be having some pollen grains inside it. When those pollen grains will be shed out and transferred to the stigma of the flower, that process is called as pollination. Right? That means pollination has taken place. It could be with the help of different varieties of agents. वो हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं. I hope आप सबको याद है. अब बच्चे, जब पॉलिनेशन हो गई, पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गया, नाउ देयर मस्ट बी द चांस कि वो पॉलन ग्रेन कोई भी हो सकता है. नाउ सपोज इफ दैट पॉलन ग्रेन विच इज रीचिंग टू दिस स्टिग्मा, दैट इज कंसिडरिंग फ्रॉम सम डिफरेंट स्पीशीज, अगर वो किसी और स्पीशीज से है, से बिलोंग करता है, तो विल इट द पॉसिबल कि ये आगे जाकर इट विल अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? ऑफकोर्स नॉट. अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो देयर मस्ट बी द इंश्योरिटी ऑफ बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज. सो मान लो समहाउ कोई पॉलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीशीज का यहाँ पर आ जाता है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट कैपेबल, राइट? इट इज नॉट कैपेबल टू फ्यूज, इट इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस दैट पॉलन ट्यूब. तो जो पिस्टिल के यहाँ पर सिक्रीशंस होंगी, दे विल रिजेक्ट दिस पॉलन ग्रेन, वो उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देंगे, सो दैट इट वॉन्ट बी एबल टू गो इनसाइड, राइट? इनफैक्ट अगर मान लो मैं कहूँ कि जो पॉलन ग्रेन यहाँ से इससे यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम फ्लावर, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वो सेम फ्लावर से ही आएगा, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके स्टिक करता है, तो देयर विल नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस. तो मान लो यहाँ पे दो पॉलन ग्रेन हैं, एक पॉलन ग्रेन है विच इज फ्रॉम द सेम फ्लावर एंड अनदर वन बिलोंग्स फ्रॉम सम डिफरेंट प्लांट, तो यहाँ पर पिस्टिल की पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो पॉलन ग्रेन विच इज एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम सम डिफरेंट प्लांट, उसी में से पॉलन ट्यूब अराइज हो, बिकॉज देयर विल बी द चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस. तो स्टिग्मा को फायदा होने वाला है, पूरा का पूरे फ्लावर को फायदा होगा उससे, तो समहाउ किसी ना किसी तरह की उनमें बातचीत, उनमें इंटरैक्शन होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स. तो वो केमिकल्स इंश्योर करेंगे दैट पॉलन ग्रेन विल प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब.
नाउ मान लो पिस्टन ने इस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया, इस पॉलन ग्रेन को भी रिजेक्ट कर दिया, उसने इस पॉलन ग्रेन को विच बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज उसको एक्सेप्ट कर लिया. नाउ व्हाट विल हैपन, दैट पॉलन ग्रेन विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ पॉलन ट्यूब. नाउ द क्वेश्चन इज पॉलन ग्रेन का कौन सा पार्ट है विच अराइजेज दिस पॉलन ट्यूब. तो एक बार ही फिर से रिकॉल करते हैं, पॉलन ग्रेन का हमने आउटर स्ट्रक्चर किया था कि पॉलन ग्रेन की दो वॉल्स होती हैं. वन इज द इनर कॉन्टिन्यूअस वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज एंड पेक्टिन. अनदर वन इज द आउटर डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर विच इज हैविंग अ पोर, राइट, दैट एक्साइम. आउटर वॉल इज एक्साइम मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. आई होप सबको याद है अच्छे से. तो डिसकॉन्टिन्यूटी में इसमें जो स्पेस होती है, इसमें जो पोर होता है विच एक्ट एज अ गेट विच विल पास द मटेरियल्स टू अलाउ एंटर और आउटसाइड, दैट पोर इज कॉल्ड एज जर्म पोर. सो हियर दिस पोलन ग्रेन through its germ pore the pollen tube will arise. I hope it is clear. Pollen grain mein se pollen tube arise hogi after the accepting of pollen grain by the stigma due to some chemical secretions. To jab usne accept kar liya to wo pollen grain pollen tube arise karega kaun se part se, through the germ pore of the pollen grain. Right, now suppose the pollen tube has been formed, it is entering inside it. अब यहाँ पे क्या होता है, if you do remember, अब फिर से recall करो एक चीज, मैंने आपको बताया था जब pollen grains shed होते हैं तो in most of the cases they are shed in two celled stage, right? 60% of flowering plants में two celled stage में shed होते हैं. And another 40% of flowering plants they shed in three celled condition. अगर ये two celled condition है बेटा जी, हमने ये detail में पढ़ा था, जिनको नहीं याद है please go and get a quick review from my previous videos जिसमें हमने ये discuss किया था, right? So दो celled condition हो सकती है most of the flowers it happens, and second one is three celled condition. अगर तो दो सेल है तो उसमें एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है. वेजिटेटिव सेल इज द लार्जर वन विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड द जनरेटिव सेल इज द स्मॉलर वन, राइट. उसके बाद अगर थ्री सेल है तो दैट जनरेटिव सेल स्मॉलर वन इट विल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म टू जनरेटिव सेल. तो इसमें तीन सेल आ गए, एक ट्यूब सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड टू आर द जनरेटिव सेल. बच्चे अगर तो ये थ्री सेल्ड कंडीशन में एंटर किया है पॉलन ग्रेन, ध्यान से समझना, अगर तो ये थ्री सेल्ड कंडीशन में एंटर किया है तो सीधा सीधा ये पॉलन ग्रेन से ये जो तीन सेल्स हैं मेरे के मीन्स दे विल एंटर एंड रीच इनसाइड द ओवरी. आपको ओवरी का भी याद होगा, ओवरी में देयर इज एन ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में देयर इज अ टिश्यू प्लासेंटा थ्रू विच द ओव्यूल इज अटैच्ड इन विच द एम्ब्रियो सेल फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट. अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या किया था, इट वॉज सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक अगर आपको याद हो. इन द केस ऑफ चेलेसिलेंट थ्री सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. नाउ सपोज दिस इज चेलेसिलेंट एंड दीज आर द एंटीपोडल सेल्स. बेटा जी मैं इसकी बार बार बता रही हूँ क्योंकि इसमें फिर से रिपीट होनी है ये चीजें. ऑन द अदर एंड दैट एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड. यस, माइक्रोपाइलर एंड हैविंग टू सेल्स एंड दे सेल्स आर कॉल्ड एज साइनर्जिड्स. इन दो साइनर्जिड्स देयर आर सम एपरेटस ऑफ थिक लाइनिंग्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज filiform apparatus. So guys, if you remember this filiform apparatus, I have told you something about it. Filiform apparatus का एक बड़ा ही important role है. It guides the pollen tube to enter inside the female gametophyte.
पॉलन ट्यूब बन गई है, मेल के मीन्स एंटर हो गए हैं इन थ्री सेल्ड कंडीशन, तो वो जब आगे जाएंगे ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद, जब ये फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे तो कहाँ से एंटर करेंगे? माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेंगे। रास्ता कौन बताता है? हु विल गाइड देम? फिलीफॉर्म अपरेटस विल गाइड देम। प्लीज टू अंडरस्टैंड दिस। तो साइनर्जिड्स के साथ यहाँ पे एक और सेल प्रेजेंट होता है विच इज एग सेल, और इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एग अपरेटस। And there is also the presence of one fused nuclei in the central cell, which are regarded as the polar nuclei. ये हम structure बहुत ही अच्छे से हम detail में पढ़ चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे three celled अगर condition है, तो three celled condition है pollen grain की, वो cells अंदर आ गए, वो पहुंच गए कहाँ पे? Ovule से होते हुए they will enter inside this embryo sac. कौन सी साइड से जाएंगे? माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड से ही जाएंगे। कौन बताएगा रास्ता? हु विल गाइड देम? फिलीफॉर्म अपरेटस विल गाइड देम टू फर्दर पाथ। लेकिन अब यहाँ पे यू हैव टू मेमोराइज समथिंग, यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है। अब कंफ्यूज मत होना जो मैं बताने लगी हूँ बेटा। जब ये पॉलन ट्यूब आ रही है, वेन इट इज रीचिंग, तो पॉलन ट्यूब ने एंटर करना है माइक्रोपाइलर एंड से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक किस में है? ओव्यूल में। ओव्यूल में जरूरी नहीं है कि इट विल एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, ओव्यूल में वो कहीं से भी एंटर कर सकता है। ये देखो बेटा ध्यान से, थोड़ा साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज टाइल एंड दिस इज योर ओवरी, नॉट योर ऑफ कोर्स ऑफ प्लांट्स ओवरी, तो ओवरी ऑफ एंजियोस्पर्म। नाउ व्हाट इज हैविंग? इट इज हैविंग एन ओवेरियन कैविटी, तो उसके अंदर प्रेजेंट है, सपोज दिस इज द ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ध्यान से समझना, इस ओव्यूल के अंदर ये प्रेजेंट है, दिस इज द ओव्यूल एंड दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, राइट? ये दूसरा एंड हो गया माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है जी? ध्यान से समझना बेटा, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, ये बाहर वाला ओव्यूल है। अब यहां से पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब आई, तो देयर कुड बी द चांस व्हेन इट इज एंटरिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही आती है। इट विल एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही आएगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। यस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। बट इन सम ऑफ द केसेस देयर इज द चांसेस ऑफ डिफरेंट रूट्स टू एंटर। ये देखो, मान लो मैं सिर्फ ये फीमेल गैमेटोफाइट ही बनाने लगी हूँ। ये मान लो दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज योर चेलेजल एंड, दीज आर योर साइनर्जिड्स हैविंग सम फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स एंड एग ऑपरेटर्स एंड द पोलन न्यूक्लियर इनटू द सेंट्रल सेल, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग? हियर आर इट्स इंटेग्यूमेंट्स। लेट सपोज हियर आर इट्स इंटेग्यूमेंट्स, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब ध्यान से समझना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हमने किया था, ये है आपका चेलेजल एंड, ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, एंड दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल पोर्शन दिस ओवरी। ये ओवरी के अंदर का पोर्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आई होप इट इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप समझ पा रहे हो। जब ये पॉलन ग्रेन एंटर किया ये डायरेक्टली एंटर करके सीधा माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही एंटर कर रहा है इनसाइड दिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। एंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, पोरोगैमी टेक्स प्लेस। Now suppose, this is the first case of porogamy. Suppose the pollen tube is entering, but not through the micropylar, through the
डायरेक्ट एंटरिंग थ्रू द शेलेजल एंड. अगर ये चेलेजल एंड से एंटर करती है, ध्यान से समझना बेटा, ओव्यूल के अंदर चेलेजल एंड से एंटर कर रही है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट में, एम्ब्रियो सैक में, ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही एंटर करेगी. समझ आई बात? आपके पास एम्ब्रियो सैक है, किस में है? ओव्यूल के अंदर है. तो ओव्यूल में पोलन ट्यूब आई चेलेजल एंड से, लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियो सैक में वो चेलेजल एंड से नहीं, माइक्रोपाइलर एंड से ही जाएगी. देन इन दैट केस दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज चेलेजोगैमी. आई थिंक सिंपल एज दैट, इट इज क्वाइट क्लियर टू यू. अगर तो माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री हो रही है, ओव्यूल में भी, एम्ब्रियो सैक में भी, दैट प्रोसेस इज स्पोरोगैमी. इफ पोलन ट्यूब इज एंटरिंग इन ओव्यूल थ्रू चेलेजा बट इन एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेलेजोगैमी. इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल टू नो नाउ. क्लियर? एंड दिस इज योर सेकेंड केस. Now there is one more case. एक और चीज हो सकती है. Now what's that? Suppose अगर हम बात करें, अब आपके सामने ही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग योर फीमेल गैमेट, तो मैं इसी पे बना के बता देती हूँ. Now again this is supposed to be the inner integuments and this is the outer integuments. Then what is going to happen? Now this is the ovule, this is the embryo sac. अब पोलन ट्यूब आई एंड पोलन ट्यूब इज डायरेक्टली एंटरिंग थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स. अगर ये इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर करती है, ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर कर रही है, लेकिन अब एंटर करने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट में ये माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करेगी. नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये समझ आने चाहिए आपको. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. एंड दिस केस इज कॉल्ड एज मीजोगैमी. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कुकुरबिटा. कुकुरबिटा में मीजोगैमी टेक्स प्लेस. एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान से बी रिलैक्स, समझने की कोशिश करो. यू आर हैविंग ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है आपका फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, जहां पर उस एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब ने पहुंचना है कैरिंग दोज मेल गैमेट्स. इफ इट इज एंटरिंग थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, ओव्यूल में एंटर किया माइक्रोपाइलर एंड से, फिर ओव्यूल से सीधा एम्ब्रियो सैक में और फिर सीधा अंदर, दैट प्रोसेस इज स्पोरोगैमी. अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर रही है चेलेजा के थ्रू, चेलेजल एंड से, एंड देन मूविंग towards the micropylar end and entering inside the female gametophyte embryo sac, then that process is called as chelazogamy. And if it is the case that pollen tube is entering through the integuments in between into the ovule and then passing through the micropylar end and entering inside the female gametophyte, that process is simply called as mesogamy. Now I hope it is clear. All right. So this transfer of the pollen grains from the stigma entering inside the ovule then into the female gametophyte through the micropylar end, this process whole is called as pollen pistil interaction. I hope it is quite clear to you. Still, if you are living with any doubt or query, then you can share it with me in the following comment section. But I really hope मैंने काफी इसको basic तरीके से explain करने की कोशिश की है, so that you can get all the concepts clear. अब एक बार ही और चीज एक discuss करते हैं. हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर ये pollen grains जो हैं, if it is forming that pollen tube and reaching towards the female gametophyte in case of three-celled stage of pollen grains, right? अगर ये two-celled stage में shed हो, अगर pollen grains यहाँ पे जब पहुँचा है
इट इज एट टू सेल्ड कंडीशन. एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है. तो जब ये एंटर करेगा ना, यहाँ पे इसकी फाइनल जर्मिनेशन होगी जिससे पॉलन ट्यूब अराइज होगी. तो व्हेन दिस गैमेट्स विल पास थ्रू दिस पॉलन ट्यूब, तो इस पॉइंट पर आकर दे विल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म थ्री सेल्ड स्टेज. मतलब अल्टीमेटली चाहे वो पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज पे है, चाहे वो थ्री सेल्ड स्टेज पे है, अंदर आके इसको थ्री सेल्ड स्टेज पे कन्वर्ट होना ही होना है. अगर तो पहले से थ्री सेल्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर टू सेल है तो जब ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, ग्रो करेगा, जब मेल गैमेट्स एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग पोर्शन में ही इट विल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म थ्री सेल्ड स्टेज. आई होप इट इज क्लियर. ऑलराइट, तो अब ये पॉलन ग्रेन्स फाइनली पहुंच गए इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट थ्रू विच एंड माइक्रोपाइलर एंड. सो दिस प्रोसेस विल बी रिगार्डेड एज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. एंड यू नो दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस. हमने बात की थी इस प्रोसेस के थ्रू इट रियली हेल्प्स द ब्रीडर्स एज वेल. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, सुपीरियर वेराइटीज, वेरिएशंस, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और इसमें बता देती हूँ विच इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बट यू मस्ट बी नो अबाउट द प्लगिंग. यस, प्लगिंग. What is that? What is this plugging? जब ये pollen grains अंदर enter करते हैं ना बच्चे through this pollen tube, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है that pollen grains can move backward as well. तो उसको backward जाने से prevent करने के लिए, suppose this is a pollen tube, तो यहाँ पे pollen grains, यहाँ पे male gametes पहुँच गए हैं, तो वो male gametes वापस ना जाएं, उसके लिए यहाँ पे कुछ walls present होती हैं which are the callous walls. Callos, they are made up of callos. So they prevent the backward moving of the pollen grains, and that process is called as plugging. आपको पता है ये pollen growth of pollen tube is one of the very important from your experimental point of view as well. आपके experiment में भी ये topic है, the growth of pollen tube. आप इसको microscopically देख सकते हो. You just need to do one thing. आप एक slide लो, उसमें pollen grains को brush up करो और उसमें 10% sucrose solution डालो. 10% sucrose solution. When after approximate 15 to 20 minutes, when you will observe that slide under the microscope, you will be able to see the growth of pollen tube. क्योंकि sucrose क्या है? Sucrose में वो nutrients present हैं which help in the growth of pollen tube. यहाँ से उसको stigmatic secretion से nutrients मिल रहे हैं, digestive enzymes मिल रहे हैं which helps in the growth of pollen tube. तो वो हम experimentally labs में भी करते हैं. When your school will get open for sure, तो you will be able to do this experimentally as well. So you can observe it under the microscope, the growth of pollen tube. With this, I hope you are clear with all the today's concept. It is going to be very interesting and very important as well. If you do like my video, then do share it with your friends as well. Keep watching guys, stay tuned, thank you, keep smiling.